हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं टिकेंगे कि अच्छा, और जैसा कि आपने देखा कि हमने फर्स्ट टेक का वॉच मंगाया है और मंगाया हमने फ्लिपकार्ट से, तो हमारा जैसे आप देख रहे हैं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी है, इसलिए हमें एक होल के यहाँ पे ओपन करके दिखा रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा वॉच और इसका आप कलर यहाँ सामने से देख सकते हैं, लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी बैक साइड में आप थोड़ा यहाँ पर डिटेलिंग देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर नंबरिंग वगैरह दिया है। बाकी इसका हम चलिए अभी करते हैं, थोड़ा सा इसका डिटेलिंग करेंगे और बताएंगे इसकी क्वालिटी एंड के फीचर क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये वॉच है, हमारा यहाँ पे टाइमिंग का ही यहाँ पे 24 आवर टाइम का है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं क्रोनोग्राफ है पहला वाला, यहाँ पे दूसरा है डेट के लिए दिया हुआ है, और ये पूरा मूव करता है। तो बाकी हमारा ये टाइम का है, 12 आवर टाइम का, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पे की दिया हुआ है क्राउन है, तो इससे हम फर्स्ट स्टेप पे आप डेट सेट कर सकते हैं एंड सेकंड स्टेप पे आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होने वाला है। बाकी आप इधर साइड में आप देख सकते हैं कि इसके क्राउन पे फर्स्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है लोगों का, और इसकी थिकनेस भी ठीक ठाक है, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट है। और बाकी यहाँ पे आप बैक साइड देख सकते हैं, यहाँ पे फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है, कुछ नंबर वगैरह डिटेलिंग है, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 मीटर वाटर रेसिस्टेंस का यहाँ पे कंपनी के थ्रू मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ स्ट्रैप की क्वालिटी बात करें तो सिलिकॉन स्ट्रैप काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा, और यहाँ बकल पर भी स्टेनलेस स्टील की ब्रांडिंग है। साथ ही यहाँ बैक साइड में बकल के अपर साइड में यहाँ पर फास्ट ट्रैक का लोगो दिया हुआ है, और इसका आप यहाँ पे बाकी चीज़ देख सकते हैं। ओवरऑल मैं वेट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 80-100 ग्राम होगा, और पहनने में भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको वेयर करके दिखाता हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, ये आपको फ्लिपकार्ट पे 2500-3000 के अंडर में आपको ये मिल जाएगा। ऑफ़र के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है इसका प्राइस अप एंड डाउन, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लुक वाइज में काफ़ी अच्छा है, क्रोनोग्राफ का काफ़ी अट्रैक्टिव है, कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पर्सनली ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका भी बजट अगर 3000 के अंदर में है तो आप इसे ले सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये लगा कि जो इसका एरो है इसमें ल्यूमिनस फीचर नहीं दिया हुआ, ताकि कोई भी ब्राइटनेस चीज़ अगर आपको रात में इससे पड़े तो आपको यहाँ पर एरो रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पर वियर करने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक आपके रिस्ट में, आपके हाथ में आता है, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो हम इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं। बाकी लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम है, आप देख सकते हैं। आप फिर इसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल बात करूँ तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। बाकी जैसा भी आपको लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा आपको लगा, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।